वेलकम टू बापी किचन। आज का जो नया रेसिपी लेके आया हूँ मिर्ची और बेसन का। देखिए तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मैंने चार मिर्चा लिया हूँ, उसको छोटा छोटा बारीक काटेंगे। सबसे पहले कढ़ाई में थोड़ा सा तेल लेंगे बेसन फ्राई करने के लिए। मैंने देखिए बेसन उसमें 3 चम्मच ऐड करेंगे। तो बेसन को हम खूब अच्छी तरह से फ्राई करना पड़ेगा, ताकि कच्चापन रहेगा तो सब्जी बेकार लगेगा, टेस्ट नहीं आएगा। तो उसको जब तक उसको अच्छी तरह से फ्राई करते हैं, तब तक उसको देखते जाइए। अगर नया है तो हमारे चैनल को ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। अच्छा लगा तो कमेंट दीजिए। देखिए मैंने इसको छोटा छोटा उसको बीज हटा के रखा हूँ साइड में, उसको बारी बारी कट कर रखेंगे। तो देखिए हमारा ऑलरेडी हो चुका है बेसन का थोड़ा सा फ्राई। तो उसको क्या करेंगे ना, एक बाउल में हम निकाल देंगे। निकालने के बाद एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल लेंगे, उसमें हरी मिर्ची डालेंगे। हरी मिर्च अच्छी तरह से फूट जाएगा तो हम डालेंगे राई। राई अच्छी तरह से हो जाने से जीरा। जीरा डालने के बाद देखिए हम जो काट कर रखे थे ना मिर्ची वगैरह, इसे भी डाल देंगे। और उसके बाद स्वाद अनुसार नमक, हल्दी और मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर तो डाल के उसको अच्छी तरह से मिला लेते हैं। मिलाने के बाद थोड़ा मीडियम स्मॉल मीडियम आंच में पकाएंगे। उसके बाद थोड़ा ढक देंगे। तो इसको 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। तब तक देखिए थोड़ा सा अभी पका नहीं, पकने के लिए और 2-3 मिनट लगेगा। और एक बार उसको ढक देंगे चला के। देखिए ढक कवर कर देते हैं एक बार, और देखिए फाइनली हो चुका है 2-3 मिनट। तो हम अभी बेसन, जो भुंजा हुआ बेसन है, उसको ऐड करेंगे उसमें। तो ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे ना, थोड़ा सा अमचूर डालेंगे। ये देखिए मैंने अमचूर थोड़ा सा लिया हूँ, और थोड़ा सा गरम मसाला ऊपर से डाल के थोड़ा सा पानी मिल जाएंगे, ताकि बेसन जो है ना वो अच्छी तरह से और थोड़ा सा धीमा आँच में करके डाल देंगे तो अच्छी तरह से पक जाएगा। तो चलिए उसको एक कवर कर लेते हैं 2-3 मिनट के लिए। तब देखिए सब्जी वगैरह पूरा खिला खिला बना हुआ है, और बस हो चुका है ये हमारा। ऊपर से हम धनिया पत्ता डाल के आपको दिखा दें। अगर हमारा चैनल अच्छा, हमारा रेसिपी अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।